السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير। आज हम दुरूसुल लुगतिल अरबियतिल गैर नातिकीना बिहा का लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए पहले हिवार पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ और इब्राहिम के दरमियान गुफ्तगू है। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिका या खाली, कैफ हालुक, लअल्लाह कबी खैर। यूसुफ सलाम करते हैं और इब्राहिम जवाब देते हैं, और इब्राहिम फिर उनको कहते हैं अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम टू यू या खाले, मेरे खाल। खाल उन कहते हैं अंकल को, यानी मैटरनल अंकल को, हम कहेंगे मामों को कहते हैं, ठीक है। कैफ हालुक, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। कैफ हालुक, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ आर यू, लअल्लाह कबी खैर, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। यूसुफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐन अबूका या इब्राहिम, इब्राहिम आपके वालिद साहब कहाँ हैं। इब्राहिम, ज़हबा इला सूक। ये देखिए, अब हम इस लेसन से शुरू कर रहे हैं फ़ैल को पढ़ना। अब आप होल सेल फ़ैल को पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हम पहले फ़ैल माजी को पढ़ेंगे और फ़ैल माजी की चंद ही सेगों को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसमें फ़ैल माजी को सिर्फ कुछ ही ज़मीरों की तरफ इस्नाद करके इस्तेमाल किया जाएगा, वो मैं आगे सिखाने जा रहा हूँ। इब्राहिम, ज़हबा इला सूक। ज़हबा फ़ैल माजी है, इसमें ज़मीर मुस्ततिर होती है, छुपी हुई, यानी इसका मतलब है हुआ ज़हबा, यानी वो मर्द चला गया जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, वो मर्द चला गया है, इला सूक, बाजार गया है। ज़हबा यानी आई, हुआ ज़हबा इला सूक। यूसुफ, वाइन उम्मुका, और आपकी माँ वो कहाँ है, वाइर जी वो मादर। ये जवाब देता है इब्राहिम, ज़हबत इला खालती ज़ैनब, वो मेरी खाला ज़ैनब के पास गई, यानी मेरी खाला, मेरी जो है मैटरनल आर्ट जो है उसके पास चली गई, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ज़हबत, ये ता जो इसमें लग गई, ये अलामत तानीस है, यानी हिया, वो एक औरत, ठीक है, यानी हम उस औरत के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक औरत चली गई, लेकिन इसमें भी ज़मीर छुपी हुई है, हिया इसमें छुपी हुई है। जैसे ज़हबा में ऊपर मैंने पढ़ाया, ज़हबा में हुआ, ज़हबत में हिया छुपी हुई है। ज़हबा मीनस वो एक मर्द चला गया, ही वेंट, ज़हबत मीनस शी वेंट, सो शी और ही यहाँ छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं ज़मीर उन मुस्ततिर, जो छुपी हुई ज़मीर हो इनमें। यूसुफ, व अयना उम्मुका एंड योर मदर। इब्राहिम, ज़हबत इला खालती ज़ैनबा, शी वेंट टू माय मैटरनल आंट ज़ैनब। यूसुफ, व अयना इख्वतुका एंड योर ब्रदर्स, वेयर आर दे एंड योर ब्रदर्स, यानी मुराद है वो कहाँ है। इब्राहिम, ज़हबू, तो यहाँ पहले एक मुजक्कर के बारे में, बाप के बारे में पूछा, उसने ज़हबा कहा, फिर उसकी माँ यानी एक मोनस के बारे में पूछा तो उसने ज़हबत कहा, अब इसके बायू यानी बहुत सारे मुजक्कर प्लूरल के बारे में, तो इसने कहा ज़हबू। तो याद रखिए, ये वाव जो है, ये वाव इज इक्वल टू दे, ऑल मैन, वो सब मर्द जिनके बारे में आप पूछते हो ना, वो सब मर्द। ज़हबू चले गए, इलल जामियाती यूनिवर्सिटी, तो वाव इज इक्वल टू दे ऑल मैन, सो इस वाव को कहते भी हैं वाउल जमे, वाउल जम यानी जमा की वाव, मुज़क्कर के लिए जमा की वाउल जम। यूसुफ, व अयना अखवातुका, और आपकी बहनें, यानी अब तो ये जमा पूछ रहा है मगर मोनस के बारे में, इसने कहा ज़हबना इलल मदरसती, वो मदरसा चली गई, सो नून ज़बरना इज इक्वल टू दे ऑल वुमेन, यानी जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ना, वो सारी औरतें, वो सारी लड़कियाँ चली गई मदरसा, ज़हबना, ठीक है। याद रखिए चार से गई, ज़हबा इसमें छुपा हुआ है ही, यानी ज़हबा हुआ, ज़हबता, सॉरी ज़हबत इसमें छुपा हुआ है शी, और फिर ज़हबू
इसमें वाव है, वावुल जमा जिसको बोलते हैं, ये वावुल जमा है। इसका माने है दे ऑल मैन। जहबना, ये नून जबरना जो है इसको बोलते हैं नून निस्वा, यानी औरतों का नून, यानी प्लूरल ऑफ प्लूरल, बहुत सारी औरतों का नून। जहबना, वो सब औरतें चली गई। ठीक है, तो आप चार सेगे आज सीख रहे हैं, हम फेल को चार सेगों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसुफ, फिर क्या था यूसुफ, अमा ज़हबता इला अल-मदरसति अल-यौम, यानी आप तो तभी आ गया, ता मीन्स अंत, आप एक मर्द, यू आप एक मर्द, ज़हबता इला अल-मदरसति अल-यौम, क्या आप मदरसा नहीं गए। इब्राहिम, भला, चूंकि अमा से आ गया आ और हमजा, फिर माँ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैंने पिछले वाले लेसन में पढ़ाया अलैसा कदालिक, जब मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ भी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, तो इसका जवाब अगर यस में है तो बला से देना पड़ेगा, बला बेशक, जहब तो, अब एक और जमीर पढ़ रहे हैं आप, तो जहब तो मैं गया, जहब तो मीनस आई, ये मुजक्कर के लिए भी सेम है और मोनस के लिए भी, जहब तो आई वेंट, बला बेशक, यस ऑफ कोर्स आई वेंट, वह और रजा तो मैं वापस लौट आया, बाद हिस्से अल उला, पहले क्लास के बाद, पहले हिस्से के बाद, रजा तो जहब तो रजा तो जब पहले मादी के साथ लगता है इसका माने होता है। ठीक है, शाबाश यूसुफ, लिमाज़ रजाता, तुम वापस क्यों आ गए, रजाता तुम वापस क्यों आ गए, हाँ तो इसने कहा इब्राहिम, रजा तो मैं इसलिए वापस आया, रजातु लिअन्ननी मरीज़ुन, लिअन्ना जो है ये इस्तेमाल होता है, ये आप इस लेसन में सीख रहे हैं, लिअन्ना मीन्स बिकॉज, लिअन्ना मीन्स बिकॉज, लिअन्ननी मरीज़ुन बिकॉज आई एम इल, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, बिकॉज आई एम सिक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, रजातु आई रिटर्न बैक, लिअन्ननी क्योंकि मैं, बिकॉज आई मरीदुन एम सिक। यूसुफ, लाबासा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लाबासा, चलो कोई बात नहीं, लाबासा ये इसी माने में इस्तेमाल होता है, चलो कोई बात नहीं। अज़हबता इला तबीब, हाँ, डिड यू विजिट द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास गए, अज़हबता इला तबीबी, डिड यू विजिट द डॉक्टर। इब्राहिम, नाम, यस, ज़हबतु, आई डिड गो, मैं चला गया, हाँ मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो हिवार ख़त्म हो रहा है, अब हमारे हमें जो है तमारीन करनी है। पहले दो क्वेश्चन मैं हसब मामूल छोड़ रहा हूँ, हम डायरेक्ट तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। कहता है ज़ाफ़ फिल अमाकिन अल खालिया, खाली जगह में रखिए, फी मायल जो आ रहा है अल्फ़ाल, ज़हबा, ज़हबा को यहाँ रखिए इन खाली जगह में ताकि पूरा हो जाए, यानी जैसे आपने अभी सीखा ज़हबा को ज़मीर के साथ कैसे इस्तेमाल करना है वो वैसे ही, व असनिधु इला ज़मीर अल मुनासिब, तो मुनासिब ज़मीर की तरफ उसको इस्नाद करके इस्तेमाल कीजिए। इस्नाद किसको बोलते हैं, जब आप फेले मादी को या फेले मुदारा को, वो आप आगे पढ़ेंगे, फेले जब आप फेल को किसी यानी ज़मीर की तरफ इस्नाद करके इस्तेमाल करने यानी मिलाकर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ज़हबता, तो ज़हबा फेल है, ता ज़मीर है, तो आपने ज़हबा को ता के साथ मिला दिया, तो इसको इस्नाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस्नाद, यानी आपने इस ज़हबा जो है इसको मुस्नद बोलते हैं और ता को मुस्नद इलह, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इस्नाद, तो आपने इसको इस्नाद इस्नाद कर दिया, यानी मैं इस्नाद कलमा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आपने इसको मिला कर लिख दिया, आपने इस कलमे को इस ज़मीर को इस फेल को ज़मीर के साथ मिला कर लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़िए एग्जाम्पल्स तो आपको ये वाजिया हो जाएगा। देखिए नंबर वन, अल औलादु डैश 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 इला अल मलअब, मलअब मीन्स प्ले ग्राउंड, औलाद मीन्स वलद उनकी जमाने लड़की, अल औलादु डैश डैश इला ज़हब, हमें ज़हबा इस्तेमाल करने नहीं, वो चले गए, अब मैं ज़हबा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन औलाद प्लूरल है और मुज़क्कर है, तो मैं वाउल जमा लगाऊंगा साथ में, अल औलादु ज़हबू इला अल मलअब, अल औलादु ज़हबू इला अल मलअब। ठीक है, नंबर टू, अत्तालिबातु डैश 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 इला अल मदरसति, अत्तालिबात प्लूरल है मगर मोनस का, तो मोनस के लिए नून निस्वा लगेगा, तो मैं कहूंगा अत्तालिबातु ज़हबना इला अल मदरसति। नंबर तीन, अलमुदर्रिसु डैश डैश इलल फसल, फसल मीन्स क्लासरूम, यानी टीचर क्लासरूम में गया, अलमुदर्रिसु ये वाहिद है, मुजक्कर है ना, गायब है, ज़हबा
मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आप मुझसे पूछ रहे, तो आप मुझे कह रहे हैं ज़हबा, वो यानी वो ज़हबा हुआ, अल-मुदरिस, अल-मुदरिसु ज़हबा इलल फ़स्ल। नंबर चार, आना डैश डैश इलल मतार, मतार मीन्स एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट चला गया। ठीक है, तो मैं कहूँगा आना, आना जब है आई, इसको अरबी में कहते हैं तो, ज़हब तो, आना ज़हब तो इलल मतार, यानी आप पहले मादी के साथ तो लगाएंगे तो माने होगा आना, आई वेंट है आना, मैं ذهبتُ إلى المطار, ذهبتُ إلى المطار। नंबर फाइव, उख्ती मोनस है ना, जैसे वहाँ उम्मी के बारे में पूछा था, उख्ती डैश डैश इलल मतबख, मतबख मीन्स किचन, यानी मेरी सिस्टर किचन में चली गई, तो हम कहेंगे उख्ती ذهبت, ذهبت, उख्ती ذهبت, ताई तानीस लगाएंगे साथ में, हिया इसमें छुपी हुई होगी। अन डैश डैश अंत, अब कहाँ है अंत, ज़हबता, तो मैं कहूँगा अन ज़हबता, अन ज़हबता अंत, अब कहाँ चले गए, अन ज़हबता अंत, अब कहाँ चले गए, अन ज़हबता अंत, अब कहाँ चले गए। ठीक है, इसी को इसनाद बोलते हैं, यानी आप सही इसको मुनासिब तरीके से इसको लिखें। अब क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है सही अल-जुमल अल-आतिया, इसने गलत लिखे हैं ये जुमले, आपको सही करना होगा। गलत क्या लिखे होंगे, इसने फॉर एग्जांपल फेल को लिखा होगा, किसी जगह फेल को प्लूरल आना था तो इसने लिखा सिंगुलर, किसी जगह मुजक्कर था तो इसने मोनस लिखा, बाकी अब देखिए। नंबर वन, अब ज़हबतु इलल मुस्तशफा या मोहम्मद, मैं मोहम्मद से पूछ रहा हूँ क्या आप मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल गए, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किया तो लगता है अना के लिए, यानी मैं, हाँ तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हम लिखेंगे आ ज़हबता इलल मुस्तशफा या मोहम्मद। नंबर टू, आमिनतु व फातिमतु व ज़ैनबु, हाँ ये चूंकि गैर मुनसरिफ है, औरतों के नाम है तो इनके ऊपर तनवीन नहीं लगेगी, खालिद हामिद की तरह तनवीन नहीं लगेगी, इनको इनके ऊपर एक ही पेश लगेगा, आमिनतु फात व फातिमतु व ज़ैनबु रजाउ मीन अल जामिया, वो यूनिवर्सिटी से वापस आ गई, लेकिन इसने फेल लिखा रजाऊ, इसमें वाव लगा दिया, वाव तो जमा के लिए आता है मगर ये तो मुज़क्कर जमा के लिए आता है, ये तो मोनस है, हमें तो मोनस का ही जमा यानी नून निस्वा लगाना पड़ेगा, हम इस वाव को हटा देंगे, हम लिखेंगे रजअना, नून ज़बर ना, रजअना, रजअना, जब आप नून लगाएंगे तो एलिबी हट जाएगा खुद ही, रजअना। ठीक है, नंबर तीन, ज़ुमलाई ذهب الى مكه, زملائي میری کلاس میٹس, ذهب الى مكه, وہ مکہ چلے گئے, زملائی پلورل ہے تو میں ذهب کیوں لکھوں, ذهب تو ایک ہی کے بارے میں آتا ہے تو میں واو لگا دوں گا, یعنی یہ واو الجمع, تو میں کہوں گا زملائی میری کلاس میٹ ذهبوا الى مكه, وہ مکہ چلے گئے۔ نمبر 4, انا رجعت من الرياض امس, میں کل ریاض سے واپس آیا, انا रजाता, आना जब मैंने कहा आना, आना आना तो इसके साथ तो आना चाहिए, आना रजातु मिन रियाद अम्सी, आना रजातु मिन रियाद अम्सी। नंबर फाइव, मरियमु व बनातुहा ज़हबत इला जुद्दत, मरियमु, मरियम व बनातुहा, और उसकी बेटियां, ज़हबत इला जुद्दत, वो जुद्दा चली गई, ज़हबत इला जुद्दत, वो जुद्दा चली गई। ठीक है, मरियम व बनातुहा, मरियम और उसकी बेटियां प्लूरल है मगर मोनस है, मोनस तो है मगर प्लूरल है, तो ज़हबत तो एक मोनस के लिए आता है, तो प्लूरल के लिए लगाएंगे हम नून निस्वा जिसको बोलते हैं, ज़हबत जो है इसकी ता हटा देंगे और वहां लगाएंगे नून ज़बरना, ज़हबना, जब नून ज़बरना लगेगा ज़हबा का बा जो है वो साकिन हो जाएगा तो बनेगा ज़हबना इला जुद्दत। नंबर 6, उम्मी कॉल, मेरी माँ ने कहा, अना मरीजुन, मैं बीमार हूँ, उम्मी ये तो मोनस है, वो काला कहाँ का, वो तो कालत होगा, इसमें ताई तानीस लगाना पड़ेगा, उम्मी कालत, मेरी माँ ने कहा, अना मरीजतुन, क्योंकि वो मोनस है तो मरीजुन की मोनस बनेगी मरीजतुन, अना मरीजतुन। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपने अच्छी तरह पहले माजी को जो है ग्रेस्प किया होगा। अब हम ये तो एफर्मेटिव में कहते हैं, ذهبت الى صبور رجعت من المدرسه ذهبوا الاولاد ذهبوا الى الملعب, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मिसाल भवन अना मरीदुन, या भवन ذهبت الى المستشفى, मैं हॉस्पिटल गया,
लेकिन अब मुझे कहना है ना, मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मैं क्या कहूँगा? हम फेले माजी के सामने माँ लगा देंगे, वेरी सिंपल, बस बाकी सारा सेम रहेगा, जो आपने अभी तक सीखा वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ है क्वेश्चन, क्या ज़हबता इलेल मदरसा थी एम से, क्या आप कल मदरसा गई थी? तो मैं जवाब दूंगा ला, नहीं। फिर कामा मा जहब तो, ज़हबता बनेगा ज़हब तो, ज़हबता आप गए, ज़हब तो मैं गया, ला नहीं, मा ज़हब तो मैं नहीं गया था इलेल मदरसा थी मदरसा एम से। नंबर टू, क्या रजा अबू का, रजा अबू का, क्या तुम्हारे वालिद साहब लौट गए मिन बगदाद, बगदाद से, रजा अबू का मिन बगदाद, बगदाद से वापस लौट आए। तो मुझे कहना नहीं वो नहीं लौट आए, मैं कहूँगा ला। फिर कामा मा रजा अभी अबू का, क्या बनेगा अभी, यानी आपके बाप, अब मुझे जवाब देना है मेरे बाप। मा रजा अभी मिन बगदाद, बगदाद से वापस नहीं आ गए। नंबर थ्री, ज़हबत उख्तुका इलल मुस्तश्फा, क्या तुम्हारी बहन हॉस्पिटल गई? तो मैं कहूँगा ला, नहीं। मा ज़हबत उख्तुका बनेगा उख्ती, मा ज़हबत उख्ती इलल मुस्तश्फा, वो हॉस्पिटल नहीं गई। ठीक है, तो आपने देखा इस माँ को बोलते हैं माउनफी, क्या बोलते हैं माउनफी, ये तो नेगेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर छह देखिए, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, ली अन्ना इज इक्वल टू ली यानी हर पिजर प्लस अन्ना, अन्ना जो है ये क्या है, वो अन्ना मिन अखवाती इन्ना, ये अखवाती इन्ना में से, इन्ना की बहनों में से है। जब इन्ना की बहनों में से है तो कुदरती सी बात है ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा, और जुमला इस्मिया की इसम को ये सॉरी मुब्तदा को अपना इसम बनाकर जबर वाला बना देगा। ठीक है, और उसकी खबर को अपनी खबर बनाकर रफा वाला यानी पेश वाला बना देगा, मरफू बना देगा। ठीक है, जैसे आपने पहले इस किताब के पहले लेसन में सीखा, इन्ना प्लस हुआ इज इक्वल टू इन्ना हु, इन्ना प्लस हिया इज इक्वल टू इन्ना हा, इन्ना प्लस अंता इज इक्वल टू इन्ना का, इसी तरह यहाँ अन्ना, यानी आपने आज तक यहाँ तक सीखे, देखिए इन्ना भी पढ़ा आपने, लाला भी पढ़ा आपने, कान्ना भी पढ़ा आपने, लाकिन भी पढ़ा, लाकिन्ना भी पढ़ा आपने, तो चार पढ़े आपने, अब पांचवा आ रहा है वो क्या है अन्ना। इसके बाद सिर्फ एक बचा इन्ना की बहनों में से, वो क्या है लैता, वो भी इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। ठीक है, शाबाश। लिअन्ना प्लस हुआ इज इक्वल टू लिअन्नहु, लिअन्ना प्लस हिया इज इक्वल टू लिअन्नहा, लिअन्ना प्लस अंता इज इक्वल टू लिअन्नका। ठीक, आगे इसी तरह गर्दान ये पढ़ेंगे आप। रजा हामिदुन, हामिद लौट आया, मिनल मदरसती मदरसे से, लिअन्नहु मरीज़ुन, बिकॉज़ ही वाज इल, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, एक वो बीमार था, लिअन्नहु मरीज़ुन। رجعت آمنة من المدرسة، آمنة مدرسة لوت آئی، لأنها because she was مريضة، she was not feeling well. رجعت من المدرسة، I returned back from the school، لأنني because I am مريضة، I am sick. اگر عورت ہو تو وہ کہے گا آنا لأنني مريضة، اگر مرد ہو تو وہ کہے گا لأنني مريضة، کیونکہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیں گے یہ انا جو ہے یہ بیچ میں سینٹینس کے بیچ میں استعمال ہوگا، جب اس سے پہلے لی آتا ہے تو یہ بنتا ہے لی انا، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیکاز، اس کا معنی کیا ہوتا ہے بیکاز. اگر آپ کو پھر کہنا ہے بیکاز آئی ایم، بیکاز یو آر، بیکاز ہی از، بیکاز ہی از، تو اس کے بعد آپ اسی طرح ضمیر لگائیں گے کوئی، لِأَنَّهُ، لِأَنَّهَا، لِأَنَّكَ، لِأَنَّكِ، لِأَنَّكُمْ، لِأَنَّهُمْ، تو آپ آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر سیون پہ آئیے. کہہ اب یہ ایک اور چیز سکھا رہا ہے جو آپ نے آلریڈی سیکھی ہے، لیکن میں یہاں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں. کہتا ہے ایک اور المثال، مثال ذرا پڑھو، ثم عجبا الى اسئلت لا دیا، پھر آنے والے سوالات کا جواب دیجیے، بے نعم او بلا، یا تو نعم سے یا بلا سے. جیسے کیا ذهبت الى المدرسه تم سے، کیا آپ مدرسہ کل گئے تھے، کیا ذهبت الى المدرسه تم سے، کیا کل آپ مدرسہ گئے تھے، نعم ہاں ذهبت میں گیا تھا. ये सिंपल जुमला इस्तेफामिया है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या आप स्कूल गए थे, यस नाम हाँ हाँ साहब तो आई 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 गॉन आई वेंट।
I had gone. Yes, I had gone. Ama dhahabta ila al madrasati. Ama. Kya aap nahi gaye the ila al madrasati? School. Ams yesterday. Bala, beshak. Dhahabtu. Of course, main gaya tha. To jab interrogative negative hoga, to aap bala se jawab denge. To aap bala se jawab denge. Theek hai? Ama raja tha. Ama dhahabta ila al madrasati. Kya madrasa nahi gaye the? Bala, beshak. Dhahabtu, main gaya tha. तो अब इसी तरह आइए आगे. आ क्या राजा अबू का मीना सूक, तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद साहब जो है बाजार से आ गए. आ क्या सिंपल सिंपल जुमला इस्तेफामिया, तो इसका जवाब नाम नाम राजा, हाँ वो वापस आ गया. सिंपल नाम राजा, अगर लंबा लिखेंगे तो कहेंगे नाम राजा अभी मीना सूक, लेकिन यहाँ सिंपल लिखेंगे नाम राजा, हाँ वो लौट आया. फिर दूसरा क्वेश्चन, अमा राजा अबू का मीना सूक, क्या वो बाजार से नहीं लौट आए अभी तक, हाँ सॉरी क्या वो बाजार से नहीं लौट आए. अमा इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव भी, तो हम कहेंगे बला राजा, हाँ ऑफ कोर्स वो तो वापस आ गए. यहाँ आप इसे ज़हबत लैला इला जामिया, क्या लैला यूनिवर्सिटी गई. आ क्या ज़हबत लैला इला जामिया, यूनिवर्सिटी गई, हम कहेंगे ना हम ज़हबत, क्योंकि सिंपल जुमला इस्तेफ़हामिया, हाँ वो तो चले गई. फिर आप कहते हैं अमा जहाबा अखू का इला रियाज, क्या तुम्हारे भाई रियाज नहीं गए. मैं कह रहा हूँ बला, क्योंकि जुमला इस्तेफामिया भी है और नफ और नाफिया भी है ना, जब इस्तेफा और मनफिया भी, तो हम कहेंगे बला बेशक जहाबा वो तो चला गया है. क्या कहेंगे, बेशक वो चला गया है. ठीक है, हाँ तो ये है, ये चीजें हैं जो आपने यहाँ पे सीखी. इन चीज़ों से हमारे जो है आज के दर्स का इख्तिताम, दर्स जो है इख्तिताम हो रहा है. इंशाअल्लाह ताला दर्स नंबर 5 में आपसे फिर मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.